गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर और मैं आपके साथ हूं निधि चतुर्वेदी। सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है और आज से अब से कुछ ही क्षणों के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसके छठे फेज के लिए पोलिंग की शुरुआत होने जा रही। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और छठे चरण में 8 राज्यों के आज तमाम लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। मतदाता निकलेंगे 7 बजे, अब वक्त भी शुरू हो गया है, पोलिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो छठे चरण के रन में दिल्ली की सभी 7 सीट्स पर, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट्स पर भी वोटिंग है। तस्वीरें आने शुरू हो जाएंगी पोलिंग सेंटर्स के बाहर से और जी दिल्ली एनसीआर वो हर तस्वीर दिखाएगा आपको, इसका सरोकार आज के इस छठे चरण के रण के साथ होगा। दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और आज 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बिल्कुल, और इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से देखिए दम ये भरा जा रहा है कि उनके पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी, उनका प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस बार दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता, जिन जिन तमाम राज्यों में आज वोट कास्ट होने जा रहे हैं वो किसको अपना प्रतिनिधि मानती है, किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट्स पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स करेंगे। देश में छठे चरण के रण का दिन है और आप सुबह के 7 बज चुके हैं पोलिंग सेंटर्स के बाहर, जो कतारें लगनी शुरू होंगी दिन की शुरुआत के साथ। जी दिल्ली एनसीआर वो हर तस्वीर जिसका सरोकार इस छठे चरण के रण के साथ है वो दिखाएगा आपको। सबसे पहले पोलिंग सेंटर से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बीच कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत चुकी आजीवीएम में कैद हो जाएगी, तो कौन कौन वो दिग्गज होंगे, जी दिल्ली एनसीआर वो तमाम दिग्गजों की तस्वीरें लगातार फ्लैश कर रहा है, किसकी तकरार किसके साथ किस सीट पर, कितना दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार होगा, उन सबसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरों पर नजर डालते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं, दिन की शुरुआत 6th फेज पोलिंग की हर तस्वीर के साथ आज दिल्ली की तमाम सीट्स पर क्या तस्वीर रहेगी। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। तस्वीरें बहुत खास हैं और इन तस्वीरों के साथ ही सुबह 7:04 पर ये तस्वीर आई है जब केंद्रीय विदेश मंत्री पहुंचे हैं अपने वोट को कास्ट करने के लिए। तो इसी तरह की तस्वीरें देखिए दिन भर आज आपको देखने को मिलेगी और सभी लोगों से, सभी जितने नागरिक है, वोट करने का अधिकार है आपका, सभी से यही अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकलिएगा, वोट करने के लिए एलिजिबल है तो अपने वोट को कास्ट करिएगा, क्योंकि अपने सरकार को चुनने का एक मौका 5 साल में आपको मिलता है। तो अगले 5 साल के लिए जिसको आप सत्ता की चाबी सौंपना चाहते हैं उसको जाकर चुनिए, चाहे जिस भी पार्टी को चुनना चाहे, जिसका मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगे, जिसका विजन आपको लगे कि ये देश के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको आप चुन सकते हैं। और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वो डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, शत प्रतिशत मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष सदस्य वोट डाले। सर, मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था, इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अध्यक्ष मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है, शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्यौहार का आनंद। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पोलिंग बूथ पर जाकर बताया उन्होंने कि पहले मतदान किया है और अपील भी यही की है कि पहले मतदान करिए, उसके बाद जाकर आप जलपान करिए।
और ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल पहुंचे थे और वहां पर अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने एक जो पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके तहत अपना वोट कास्ट करके बाहर निकले। इन इलेक्शंस में करनाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी भी हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा ओपोनेंट है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि यहाँ पर कमल खिलेगा, लेकिन समीकरण थोड़े बदले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार देखना होगा कि जनता किसको चुनती है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सुबह के 7:07 का समय हो चुका है, पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और जितने भी वीवीआईपीज हैं उसके साथ साथ जनता की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें और साथ ही साथ युवा मतदाताओं की बात करें, हर किसी से अपील की जा रही है कि अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट को कास्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो जलपान होता रहेगा, पहले घरों से बाहर निकलिए, कतारों का हिस्सा बनिए, मतदान कीजिए, वोट कास्ट कीजिए। और उसी की शुरुआत एक नज़ीर को पेश करते हुए यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ वो भी तस्वीर बड़ी खास थी जब सुबह 7 केंद्रीय विदेश मंत्री नजर आए पोलिंग सेंटर के बाहर अपने वोट को कास्ट करने के लिए सपरिवार। और ये लाइव तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। पोलिंग स्टेशन पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि हीट वेव भी चल रही है और गर्मियों का मौसम है, ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि सुबह सवेरे ही पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर दें। जैसे जैसे दिन चढ़ता है फिर थोड़ा कम भी वोटिंग होने लगती है, लेकिन अभी फिलहाल कतारें जो नजर आने लगी हैं, लोग भी पहुंचने लगे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। अंजलि हमारी सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड है। वोट को अगर आप उस वोट शेयर को जोड़ देते हैं तो क्या ये वोट शेयर हराने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ स्विंग वोटर्स भी होते हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रणनीति काम करती है और ये स्विंग वोटर उनकी तरफ झुकता है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा इस सीट पर जी। तो देखिए अंजलि चांदनी चौक में दरअसल मौजूद है और चांदनी चौक लोकसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला जो था उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि काफी कड़ा देखने को मिलेगा। एक तरफ प्रवीण खंडेलवाल है, दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल है, दोनों व्यापारी नेता हैं। और क्या यहाँ पर जो उनके मुद्दे हैं व्यापारियों के जीएसटी को लेकर, क्योंकि उससे कई व्यापारी वर्ग परेशान भी नजर आता है, वो यहाँ पर कोई फैक्टर काम करता हुआ नजर आएगा या फिर पीएम मोदी की गारंटी, जो नेशनल मुद्दे हैं वही ओवरलैप करते हुए इन मुद्दों को नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में कि ये भी देखना होगा कि चांदनी चौक में क्या कुछ इस बार होने वाला है। लेकिन दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें, स्पेशली लोकसभा इलेक्शंस में, तो इस बार काफी ज्यादा चीजें 2019 के हिसाब से बदली है। हमारे सहयोगी करनाल से विजय राणा भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विजय, वहां की तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा। अब तो पोलिंग स्टेशन पर मतदाता पहुंचने लगे होंगे वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल, मतदान शुरू हो चुका है और हम करनाल के प्रेमनगर इलाके में इस समय मौजूद हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अभी भी वहां से मतदान करने के बाद वो निकले हैं। फिलहाल मैं आपको ताज़ा जो तस्वीरें हैं वो दिखा देता हूँ। लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है, मतदान जो शुरू हो गया, लोग मतदान केंद्रों के अंदर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है तो लोग जो है सुबह सुबह मतदान करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों ने आना शुरू कर दिया है और हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे। वो लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और जो पहचान पत्र हैं, वोटर कार्ड हैं, वो देख कर लोगों को अंदर जो है वो एंट्री दी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप वोट करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। तो वोट कर ली अभी? करनी है, कर ली जी। तो आप, हालांकि आपने वोट किसको की नहीं पूछूंगा, कि क्या माहौल है, किस तरह माहौल है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? मेरे को पहला नंबर था वोट का, वोट डालने में पहला ही नंबर था, मैंने पता नहीं कौन कहाँ डालता है। तो आप किस पैसे किस पार्टी को समर्थन आप कर रहे हैं? हाँ जी, आप किन को समर्थन कर रहे हैं? भाजपा को, कांग्रेस को, किसको समर्थन कर रहे हैं? ये नहीं मैं बताऊंगा भाई। अच्छा, भाजपा भाजपा से मनोहर लाल खड़े हुए हैं। आपके पास वापस लौट रहे हैं हम विजय। फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। बांसुरी स्वराज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है और वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही है। नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी है, दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी है, वकील है और दम भर रही है इस बार कि इस बार भी कमल ही खेलेगा, क्योंकि साथ के साथ लोकसभा सीटों पर लास्ट टू लास्ट इलेक्शंस में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तो अपना वोट देखे कास्ट करने के लिए पहुंची है और न्यू दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक वीआईपी सीट मानी जाती है, और सोमनाथ भारती
से इनकी यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग सेंटर से, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जो आम और खास लोग हैं वो पोलिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। सुबह की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ हो रही है जब अपना वोट कास्ट करने के लिए और जनता से अपील करते हुए तमाम जो नेता हैं। और इस बीच हम यमुना विहार चलते हैं, अनुष्का वहां से रिपोर्ट कर रही है। गुड मॉर्निंग अनुष्का। अनुष्का, सुबह के 7:12 का समय है, आप चूंकि पोलिंग सेंटर पर बनी हुई हैं, डटी हुई हैं, पहली तस्वीर दिखाइए, ओवर टू यू। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी यमुना विहार की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यमुना विहार आता है और काफी इंपॉर्टेंट सीट है यहाँ बीजेपी की। आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटर्स जो है वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। सभी के लिए यहाँ पर जो मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? द्रौपदी। द्रौपदी, यही रहती है आप? हाँ, सीनो डाल दिया आपने? डाल दे, डाल दिया। क्या कुछ मुद्दे रहे? महिला है आप, बुजुर्ग है? हाँ। क्या कुछ मुद्दे? सीनो 56 में रहूँ। अच्छा, किस किस बात पे वोट दिया आपने? क्या करें, किस मुद्दे पे वोट दिया है आपने? मैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत सारे वोटर्स है जो वोट कास्ट करके बाहर आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूँ। सुबह सुबह वोट देकर के आए आप? सबसे पहले काम मतदान, फिर जलपान, यही होना चाहिए। अवेयर है यहाँ के वोटर्स, आप देख सकते हैं। सभी जनता को मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले वोट करें, बाद में अपना कुछ और करें। वोट डालने का मतदान हमारा लोकतंत्र देश है, इसमें देश के हित के लिए जो भी हो सके अपना मुद्दे क्या कुछ रहे इस बार वोटिंग मुद्दे देश हित के लिए सबसे पहले, हाँ, राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय समाज में भी यही है। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मनोज मल्होत्रा है। हाँ जी, वोट डाल दिया। वोट डाल दिया। हाँ, आप देख सकते हैं यमुना विहार में सुबह से ही वोटर्स की जो कतार है वो देखने को मिल रही है। बुजुर्ग से लेकर जो जवान लोग हैं सब वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं सर इस बार के? मुद्दे तो ये है कि ये कंट्री जो है इस समय मांगती है स्ट्रांग लीडरशिप, और लीडरशिप इसको आगे चलाने के लिए उनके मिशन, विजन और सब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। देश के मुद्दे आगे हैं इस बार? देश के मुद्दे सबसे पहले हैं, बाकी सब चीजें पैरेलली आगे बढ़ती जाती हैं। अच्छा, तो स्ट्रांग लीडरशिप इज मस्ट। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह का वक्त है और यहाँ पर कतार। बिल्कुल अनुष्का गर्ग, यमुना विहार से अब हम हरियाणा जाएंगे सीधे। हिसार से रिपोर्ट कर रहे हैं रोहित। रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। रोहित, हिसार की जो तस्वीर है और जो चुनावी समीकरण उन सबके बीचों बीच पहली तस्वीर जो कि बहुत जरूरी है वो आप दिखाइए भी, बताइए भी, वोटर्स से बात कीजिए। कितने वोटर्स आपको दिख पा रहे हैं 7:15 पोलिंग सेंटर्स के बाहर? रोहित, देखिए अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में भी पोलिंग प्रक्रिया शुरू हो चली है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बूथ पर माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले हर वर्ग में एक तरह से पहला वोट डालने का क्रेज था, तो यहाँ पर बूथों पर लाइन भी लगी हुई थी, लेकिन अब जिस हिसाब से उनके वोट की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है तो लोगों की संख्या जो है अभी धीरे धीरे बढ़नी भी शुरू होगी। खाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पोलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग वोट डालकर जाते भी नजर आ रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए महिला जो है अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए अंदर जो एक तरह से बूथ के अंदर पर जो अधिकारी है उसके सामने नजर आ रही है और अपने वोट को एक तरह से मिलान करवाने के बाद अंदर वो जाने की प्रक्रिया में भाग लेगी। तो तमाम तरह के लोग जो है यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, कुछ ही देर बाद एक तरह से एक एक करके धीरे धीरे वोट डालते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं इनसे भी बातचीत करने, बाबूजी वोट डालने पहुँचे हैं? बिल्कुल पहुँचे हैं सर। क्या क्रेज लगता है आपको? और ये मत बताइएगा वोट किसको डालेंगे क्योंकि ये हिडन होता है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, लोकतंत्र जैसे चल रहा है और चल रहा है तो हमें हमारा फर्ज है कि हम वोट डालें और अपना अधिकार वो करें। आप तो यहाँ पर पहुँच गए लेकिन कुछ युवा अभी भी घर पर, उनको क्या अपील करना चाहेंगे क्योंकि वोट कास्ट का इस्तेमाल? वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें जिसको भी डालना आपने, बाकी वोट जरूर डालना चाहिए, अपना अधिकार का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं एक तरह से धीरे धीरे क्योंकि गर्मी का मौसम है और सब यही चाहते हैं कि सुबह सुबह सब काम निपटाकर एक तरह से वोट कास्ट का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर माहौल जो है अब धीरे धीरे बनना शुरू होगा जैसे जैसे समय गुजरेगा, उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिलेगी और एक तरह से लोगों की कतारें भी लगी नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से अभी शुरुआत है तो उस हिसाब से जो माहौल देखने को मिल रहा है उसके मद्देनज़र एक तरह से लोग जो है यहाँ पर पहुँचने ज़रूर शुरू हो गए हैं जी। बिल्कुल, ये देख पा रहे हैं हम पोलिंग स्टेशंस पर लोग पहुंच रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है लोकतंत्र के महापर्व के दिन जब लोग पहुंचते हैं। इस बात का इल्म उनको होता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनको लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता को निभाना है। और अनुष्का के पास फिर चलते हैं। अनुष्का,
दिन की शुरुआत जब हमने की और आपके पास हम पहुंचे यमुना विहार, हालांकि उस सीट के समीकरण और कौन सा मुद्दा किस पर हावी होगा वो तो चर्चा का विषय है, उस पर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपने एक सीनियर सिटीजन महिला से बातचीत की है, युवा भी वहां पर मौजूद है, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी वहां पर मौजूद है, लोकतंत्र के महापर्व की इससे शानदार तस्वीर क्या हो सकती है कि सुबह 7 बजे के साथ ही एक वरिष्ठ नागरिक जो है पोलिंग सेंटर पर पहुंची और अपने मुद्दों का जिक्र करती नजर आ रही है। तस्वीरें भी दिखाई अनुष्का और इन सभी लोगों से बातचीत कीजिए अगर संभव हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेमोक्रेसी में सबसे पहला जो आप कह सकते हैं लोगों का राइट है एक्सरसाइज करना वो वोटिंग का होता है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अभी से ही हम देख रहे हैं सुबह के 7 बजे से ही यहाँ पर लोगों की जो कतार है लंबी वो कतारें देखने को मिली। फर्स्ट टाइम वोटर से बातचीत की हमने, इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और साफ तौर पर जितने भी लोग यहाँ पर हमें मिले सभी ने राष्ट्र के मुद्दों को सबसे ज्यादा देखते हैं भुनाया। और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर जो ये लोकसभा सीट है यहाँ पर सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग और मुस्लिम वोटर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पर जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आपका नाम क्या है सर? यशपाल मल्होत्रा। कितने साल के हैं आप? 89 ईयर्स के। वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल। एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे, वोट देखिए, आप वोट कास्ट कर दिया सर ने। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे रहे? कुछ नहीं पूछा, बस क्या किस चीज पे वोट दिया आपने? वोट तो अपनी मर्जी से दे दिया। अपनी मर्जी से दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रबोन सेठी। इस बीच तस्वीर सामने आ रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वहां से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन देखिए हर खास हर आम इंसान एक ही हो जाता है, एक वोटर होता है वो आज के दिन जो अपनी सरकार को चुनता है अगले 5 साल के लिए। मुद्दे सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक कि आज उनका वोट कास्ट करना बेहद जरूरी होता है। और ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं, करंट चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी देखिए पोलिंग बूथ पर और भी मतदाता पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर भी व्यवस्था जो है, इंतजाम जो है वो वोटर्स के लिए काफी पुख्ता रूप से किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी इंतजाम वहां पर किए गए हैं। गर्मी का मौसम है, हीट वेव का वक्त है, ऐसे में देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। और ये तस्वीरें तो सुबह सवेरे की हमने आपको दिखाई जो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल पहुंचे थे। अनुष्का का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अनुष्का आप कंटिन्यू करिएगा, लोगों से बातचीत भी करिए, वहां पर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय है ये सीट। अनुष्का बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं यमुना विहार में जब से वोटिंग शुरू हुई तब से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। बहुत सारे वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग लोगों से लेकर के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही पोलिंग बूथ है जहां पर 8 बजे के करीब जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी वो यहाँ पर आकर वोट कास्ट करेंगे। आपको बता दें अभी से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर ज्यादातर जो है हम आपको बताएं तो जो मुस्लिम आबादी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, पूर्वांचल के भी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। एक खास बात यहाँ है, ये है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है, वो भी पूर्वांचल से हैं और मनोज तिवारी जो है वो भी पूर्वांचल से हैं। तो ये देखना है कि कौन किसके ऊपर हावी होगा। जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं हम देख सकते हैं लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा जागरूकता है, सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? एमसी जैन, महेश जैन। महेश जैन, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं वोटर्स यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ मुद्दे थे इस बार वोटिंग के पीछे? यही है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब अच्छा काम चलता रहे, यही मेन चीज है। आपका नाम क्या है? पारस जैन। अच्छा, आप भी यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, इनका बेटा ही है। हाँ जी, वोटिंग के पीछे के क्या कुछ मुद्दे हैं? बहुत सारे हैं, वो तो बैठेंगे तो बात खत्म नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटर्स यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वोटर्स काफी ज्यादा साइलेंट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, काफी सजाया गया है इस पूरे बूथ को और साथ ही साथ लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, क्योंकि इस वक्त पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही है, तापमान जो है वो 44-45 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जा रहा है और अभी भी दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटिंग परसेंटेज में भी काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सुबह सुबह जो वोटर्स हैं वो काफी जागरूकता के साथ यहाँ पर अपना अपना जो वोट है
वो कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अपने अपने मुद्दों को कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकतंत्र का जो ये महापर्व है वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ पर अकोमोडेट करने के लिए पूरी प्रशासन जो है वो यहाँ पर जो है मदद करती हुई नजर आ रही है। सभी लोग वोट डाल रहे हैं और वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने जो पूरे साथ जो है अपने पूरे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं साथ में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर क्योंकि हम देख सकते हैं एनडीए अलायंस की तरफ से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर हिस्सा मिला है, कांग्रेस की हिस्से ये सीट आई है, कन्हैया कुमार यहाँ के प्रत्याशी हैं और बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी यहाँ के प्रत्याशी हैं और ये काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है जो क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं बीजेपी के जो सातों सांसद थे जो पिछली बार यहाँ पर काबिज थे उनमें से छह की टिकट कट गई लेकिन मनोज तिवारी जो है उन्होंने एक बार फिर से अपना सीट जो है वो यहाँ पर किया है लोगों के पास। अनुष्का इस दिलचस्प सीट पर और इन शानदार तस्वीरों पर हम लौटते रहेंगे लगातार।